In this video, we demonstrate our project in which we develop a game that is called a Minesweeper, which is also known as single player game that is very fun to play and also challenging. So first we introduce our game. The introduction of the game is Minesweeper is a single player logic based computer game played on a rectangular board whose object is to locate predetermined number of randomly placed mines. Now object of the game. So the object of the game is to identify and mark hidden mines without detonating any of them. Both luck and logic play a part. While there are clues pointing to the presence of mine, the game also requires making educated guesses. मेरा नाम जवाद है. माइंडस्वीपर हमारे पास एक सिंगल प्लेयर गेम है जो हमारे पास विंडो में खेले जाते हैं, जिसमें हमारे साथ हिडन माइंड्स पड़े होते हैं और हमारा कोशिश ये होगा कि हम इसको कम से कम वक्त में पूरा करें. इसमें हम माइंड में क्लिक करने से अवॉइड रहेंगे. अगर खेलने वाला माइंड में क्लिक करे तो इसे हमारे पास गेम ओवर हो जाता है. सही है. इसके अलावा हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम इसमें हिडन माइंड्स को डिटोनेटिंग के बगैर इसको पूरा करें. So this is the main window of the game in which we imported all the Python files and libraries which are used in implementing this game. In this main file we created some attributes which are title, configure, resizable and geometry, as you can see. And also we created three frames, this top bar, left bar and center bar, which to easily place our label and buttons that we created in this game. And make grid for buttons, we used for loop, make 36 cells. Next, we call our methods, which we already created in this cell file. Here you can see there are methods which are used, and we call these methods in this main file. And in the end of the main file, we call our main loop so that our game window can run. Bismillahirrahmanirrahim. Mera naam Jane. This is first of all. इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने टिकटर लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, जिसके अंदर हम लोगों ने आगे मॉड्यूल बनाए तीन. एक है हाइट हो गई, फंक्शन हो गया, सेल्स हो गए. उसके बाद हम लोगों ने इसकी टाइटल बनाया है, रूट टाइटल रूट बनाया है. इसके अंदर हम लोगों ने इसके अंदर एक कन्फिगर किया हुआ है और ज्योमेट्रीज वगैरह दी हुई हैं इसके अंदर. ज्योमेट्री के अंदर इसके अंदर हम लोगों ने इसकी वेट वगैरह हाइट वगैरह दी हुई है. उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने फ्रेम्स बनाई हुई हैं, तीन फ्रेम्स बनाई हुई हैं, तीन तीन फ्रेम्स बनाई हुई हैं. ये आप देख सकते हैं, एक फ्रेम के ऊपर माइनस्वीपर गेम वाली आ गई, एक ये ब्लू कलर की आ गई और एक ये सेंटर में आ गई. ठीक है. और तीन एक टॉप बार आ गई, एक गेम टाइटल आ गई, एक लेफ्ट बार आ गई. ठीक है. और इनकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने सेटिंग्स में दी हुई हैं, ये कि हाइट, वेट और ग्रिड साइज वगैरह दी हुई हैं. इसके बाद हम लोगों ने नीचे आगे फोर लूप बनाया हुआ है, फोर लूप बनाया हुआ है. फोर लूप के अंदर हम लोगों ने ग्रेड साइज दिए हुए हैं और इसके अंदर हम लोगों ने ये ग्रेड साइज की वैल्यू भी हम लोगों ने ये सेकंड सेटिंग पाइथन पाइल बनाई हुई है और इधर हम लोगों ने एक ग्रेड साइज की भी वैल्यू यहीं पर दी हुई है. उसके बाद फोर लूप के बाद हम लोगों ने कुछ मेथड्स को कॉल किया हुआ है. ये मेथड्स जो हैं ये पाइथन की हम लोगों ने एक और फाइल बनाई हुई है, जैसे सेल डॉट पी वाई का नाम दिया हुआ है. इसके अंदर हम लोगों ने ये यहाँ पे मेथड्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं और इन मेथड्स को हम लोगों ने इधर कॉल किया हुआ है, ये कॉल किए हुए हैं मेथड्स को. तो आफ्टर दैट सेल फाइल में हमने एंटर द बटन और लेबल और साथ में रैंडम हमने एक वैल्यू स्टोर किया है जो कि हमने फाइल में जिसका नाम काउंट है, उसमें इसके बाद हमने सेल काउंट
अब जो टेलम से डिसेबल बनाया है और इसको बाय डिफॉल्ट नन किया है, सही है। तो इसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसमें हमने 3 पैरामीटर पास किए हैं जिसका नाम एक पॉइंट और इस माइन, इस माइन को हमने पास असाइन किया है। और इसके बाद हमने एक दूसरा मीटर क्रिएट बटन अपडेट के नाम से, इसमें हमने लोकेशन पैरामीटर पास। तो आफ्टर दैट इसमें हमने दो बटन, इस दो बटन की विड्थ 14 है और इसकी हाइट। तो इसके बाद हमने तो व्हाट स्टैटिक स्टैटिक में दो मेथड होता है जो न सिर्फ सिर्फ को यूज करें और ना क्लास को सिर्फ पर डिपेंड करता हो, जो कि एक बहुत से सिंपल प्रिंट। इसके बाद स्टैटिक मेथड ऑफ सिल काउंट के नाम से, जिसमें हमने इसके बाद हम लोगों ने लेफ्ट क्लिक बताया, लेफ्ट क्लिक के क्या काम होगा। तो हम लोगों ने अपनी माइनस्वीपर गेम को रन करते हैं, माइनस्वीपर गेम को रन करने के बाद हम लोग लेफ्ट क्लिक से इन बटन को प्रेस करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने प्रेस किया तो ये 4 आ गया, तो लेफ्ट क्लिक का यही काम होगा, ठीक है। तो ये देखें जिस तरह हम लोगों ने लेफ्ट क्लिक को क्लिक किया तो यहाँ पर 4 आ गया। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने कंडीशंस लगाई हैं, इफ सेल्फ इज माइन देन शो माइन, वही बात हो गई कि हम लोग जिस टाइम लेफ्ट क्लिक को क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये हम लोगों ने बटन्स में की हुई है। उसके बाद डेफ सेल एक्सेस, और उसके बाद सेल को एक्सेस किया हुआ है किस तरह एक्सेस करें। उसके बाद सराउंडिंग सेल्स, मतलब कि जब हम लोग इस माइनस्वीपर्स गेम में एक वैल्यू को एक दफ़ा क्लिक करें तो इसके सराउंडेड में कितने माइंस हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। जिस तरह अब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर 1 आ गया, तो इसके सराउंडिंग्स में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने माइंस हो सकते हैं। तो इसके सराउंडिंग में एक माइंस लाजमी होगा, इसके सराउंडिंग में कितने कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3 जितने भी आ रहे हैं वो इधर बताएंगे। अब जिस तरह यहाँ पर 3 क्लिक किया है तो इसके सराउंडिंग में कितने माइंस होंगे, इसके सराउंडिंग में 3 माइंस होंगे। उसके बाद सराउंडिंग सेल्स माइन लेंथ, तो इसके बाद हम लोगों ने एक मेथड और बनाया है जिसका नाम दिया हुआ है सराउंडिंग सेल्स माइन लेंथ के नाम से बनाया हुआ है। उसके बाद बनाया हुआ है हम लोगों ने एक और मेथड बनाया हुआ है शो 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 सेल के नाम से बनाया हुआ है, और इसके अंदर हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशंस दी हुई हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा जो है वो शो माइंस के नाम से, मतलब कि अगर हम लोग अपने माइनस्वीपर गेम के अंदर कि अगर हमारे पास ये जिस तरह हम लोग क्लिक करते हैं हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, 1, 2, 3, 4 कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर हम लोगों का क्लिक रॉन्ग हो जाए तो उसके बाद हमारा डायरेक्ट एकदम ये जो होगा वो गेम ओवर हो जाएगी। जस्ट टाइम हम लोग रॉन्ग क्लिक करेंगे जब माइंस आएगा तो एकदम हमारी गेम जो होगी वो गेम ओवर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है रैंडम माइन स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है। स्टैटिक मेथड के अंदर हम लोगों ने बनाए हुए रैंडम माइन बनाए हुए, और इस मेथड का हमारे पास गेम में काम ये है कि अगर हम लोग स्टैटिक मेथड बनाए हुए इसके अंदर हम लोगों का गेम में काम ये है कि हमारे पास जो है माइन जो है वो रैंडमली पड़े हुए हैं, जितने भी हमारे पास सेल्स वगैरह पड़े हुए हैं इनमें जो माइन्स हैं वो रैंडमली पड़े हुए हैं। और इसको हम लोगों ने ऊपर इम्पोर्ट भी ऊपर हम लोगों ने पहले इस रैंडम को इंपोर्ट भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने इस रैंडम को यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट में इंपोर्ट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक हम लोगों ने मेथड बनाया हुआ है राइट क्लिक का। राइट क्लिक का काम ये है कि अगर हम लोग इस माइनस्वीपर गेम में किसी सेल्स पर क्लिक करें तो हमारे पास ये 1 आ गया, तो इसके अंदर राइट क्लिक करके हम इसके इर्द गिर्द जो होंगे एक ना एक माइंस लाजमी पड़ा होगा। तो इसको अगर हम लोगों पर शक है कि यहाँ पर जो है माइन पड़ा हुआ है तो इसे याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, येलो फ्लैग लगा लेते हैं राइट क्लिक करके। ये देखें राइट क्लिक करके हम लोगों ने येलो फ्लैग लगा लिया। अब ये 3 क्लिक किया, इसके अगर हम लोग इसके जो सराउंडिंग में 3 माइंस पड़े हुए हैं तो इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, येलो फ्लैग लगा लेते हैं।
तो इसलिए ये मेथड यूज हुआ हुआ है, और इन मेथड्स को जो कॉल किया हुआ है हम लोगों ने मेन फाइल, जो पाइथन की हम लोगों ने मेन फाइल बनाई हुई है उसमें हम लोगों ने इन तमाम मेथड्स को ये लास्ट में कॉल किया हुआ है ये। और इसके अंदर जो इस जो मेन हमारी गेम है इसके अंदर हम लोगों लक भी यूज होती है, और दूसरी बात है इसके अंदर हम लोग वो लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, लॉजिक्स भी यूज किए हुए हैं, लक भी यूज हो सकती है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करेंगे, या आप लोग देखें, हम लोगों ने सबसे पहले टिंकेटर इंपोर्ट की, उसके बाद इसके अंदर फ्रेम्स बनाई, फ्रेम्स हम लोगों ने तीन फ्रेम्स बनाई है, एक सेंटर फ्रेम्स बनाई है, एक जो है ब्लू कलर की फ्रेम बनाई है, एक ब्लैक कलर की फ्रेम बनाई है। ये कलर डिफरेंस किए हैं इस वजह से किए कि हम लोगों को फ्रेम्स का पता चल सके, तो अगर हम सेम कलर करते तो फिर हमें पता ना चलता कि फ्रेम्स किस तरह की है। और इसके अंदर इस गेम का एक मकसद ये है कि इसमें लक इस्तेमाल होती है, और दूसरा इसमें लॉजिक इस्तेमाल होती है। लॉजिक का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, तो मेरे पास टू आ गया, तो टू आ गया तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, इसके सराउंडिंग में टू माइंस जो होंगे वो लाजमी पड़े होंगे, दो माइंस जो है वो लाजमी पड़े होंगे। तो अगर हम लोग इसको इसको मद्देनजर रखते हुए इस गेम को खेलें तो हम लोग विन कर सकते हैं। तो एक लक की बात होगी, और इसके बाद राइट क्रिक का ऑप्शन है इसके अंदर, राइट क्रिक से हम लोग येलो फ्लैग लगा सकते हैं, अगर हमें पता है यहाँ पर अगर मायने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, येलो फ्लैग से अपने इस बात को याद रख सकते हैं। और तो अगर अगर हम लोग माइन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो गेम है वो गेम ओवर हो जाएगी, अगर जब हम एक दफ़ा क्लिक कर लें किसी बटन पर, किसी सेल पर क्लिक कर लें तो दोबारा उस सेल पर हम लोग क्लिक करें तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर माइंड पर क्लिक करें तो गेम हमारी ओवर हो जाएगी, ओवर हो गई, ये देखें गेम ओवर हो गई।